जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में शिक्षा और अनुसंधान में विकसित भारत और शोध विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटीजा और आरयूएचएस की कुलपति प्रोफेसर धनंजय अग्रवाल ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट सहित अन्य वक्ता मौजूद रहे। एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है जिसमें इस विषय पर चर्चा की जा रही है कि अगर हमें 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हम किस तरीके से यूथ को उसमें इन्वॉल्व करें, उन्हें कैसे अवेयर करें। ये बहुत ही एक नोन फैक्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, लेकिन अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना है, उसका कोई फ़ायदा लेना है, तो ये सारा यूथ जो है हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल के खान पान और लाइफस्टाइल से हम ये देख रहे हैं कि जो यूथ है उन्हें कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स को के साथ जूझना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो युवाओं को हेल्दी होने के बारे में अवेयर करना होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश भी इनोवेशंस में, रिसर्च में आगे आए। हमने अपने इंस्टीट्यूशन में इसके लिए बहुत तेज़ी से कार्य करना शुरू किया है। हम डिफरेंट साइंटिफिक जो लोग हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, हम अपनी रिसर्च विंग को मजबूत कर रहे हैं। हम शिक्षा का भारतीयकरण भी करेंगे और शिक्षा को उस स्तर तक ले जाएंगे कि जहाँ लोग हमको फॉलो करें। मेडिकल साइंस जैसे एक विकसित भारत होने से पहले एक जो उससे पहले की एक कड़ी है वो हमारे आत्मनिर्भरता की कड़ी है, और ऐसा प्रायः देखा गया है कि भारत में अभी भी मेडिकल साइंस में हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। तो हम किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं इस क्षेत्र में, और वो आत्मनिर्भरता हमारे अपने शोध से, हमारे शोध के प्रकाशन से ही आएगी। तो सबसे पहले तो आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है विकसित होने के लिए, और उसके बाद हम विकसित हो पाएंगे। और स्वास्थ्य जो है देश का वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, निवास होता है, और एक स्वस्थ मन बहुत आवश्यक है कि हम एक विकसित भारत का सृजन कर सकें।